और हंगामे की दूसरी खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां आज विधानसभा के बाहर बीएसपी विधायकों ने गन्ना किसानों के समर्थन में अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। यूपी की विधानसभा का सत्र आज से ही शुरू हुआ है, लेकिन सत्र के पहले ही दिन गन्ना के समर्थन मूल्य और यूपी में गन्ना किसानों की खुदकुशी के मामले पर बीएसपी ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बीएसपी का आरोप है कि गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर चीनी मिल के मालिकों और यूपी सरकार के बीच एक बड़ी डील हुई है और ये डील किसानों के हक में नहीं है। यही वजह है कि गन्ना किसान खुदकुशी कर रहे हैं। गन्ना किसानों के आंदोलन को देखते हुए बीएसपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। तो आज से यूपी में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, लेकिन आज सत्र की शुरुआत में ही बीएसपी सदस्यों ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि गन्ना किसानों को ठग रही है यूपी की अखिलेश सरकार, क्योंकि यहां पर चीनी मिल मालिकों और यूपी सरकार के बीच में बड़ी डील हो गई और इस बीच खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ के गन्ना किसान। उनका कहना है कि गन्ना किसानों की जो मांग है समर्थन मूल्य को बढ़ाने की, उसके साथ बीएसपी है लगातार खड़ी रहेगी। इसी को लेकर बीएसपी के सदस्यों ने आज विधानसभा भवन के बाहर हंगामा किया। बीएसपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, से मांग की और महामहिम राज्यपाल जी से मांग की। अब पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल जी से मांग करती है कि ऐसी हत्यारी किसान विरोधी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो बीएसपी के सदस्य यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। चीनी मिल मालिकों के साथ सरकार के बीच डील हुई है, ऐसा कहना है बीएसपी का। कहना है कि गन्ना किसानों के साथ यहां पर अत्याचार हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। गन्ना किसान लगातार समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसे लेकर अब बीएसपी अखिलेश सरकार पर निशाना साध रही है। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन सत्र की शुरुआत में पहले ही दिन बीएसपी के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और साथ ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पोस्टर और बैनर के साथ बीएसपी के सदस्य हंगामा करते नजर आ रहे थे। गन्ना किसानों के समर्थन में बीएसपी खुद को बता रही है। उनका कहना है कि बीएसपी गन्ना किसानों के समर्थन में उनके हक की आवाज के साथ खड़ी रहेगी। गन्ना किसानों के आंदोलन में बीएसपी उनका हर पल हर कदम साथ देगी। यूपी की अखिलेश सरकार गन्ना किसानों के साथ सही नहीं कर रही है। आरोप बीएसपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए चीनी मिल के मालिकों के साथ सरकार की डील हो गई। गन्ना किसानों पर हो रहे ज्यादती के खिलाफ बीएसपी का ये हंगामा देखने को मिला है। आज लखनऊ में विधानसभा भवन के बाहर अखिलेश सरकार पर लगाया गया है किसान विरोधी डील करने का आरोप। यूपी के कई जिलों में आंदोलन कर रहे हैं गन्ना किसान और बीएसपी कह रही है गन्ना किसानों के आंदोलन में बीएसपी उनके साथ खड़ी है और आरोप लगा रही है बीएसपी समाजवादी पार्टी की सरकार पर, अखिलेश सरकार पर। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से गन्ना किसान यूपी में आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि समर्थन मूल्य बढ़ाए सरकार, क्योंकि उनको उनका समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उनको घाटा हो रहा है। वहीं चीनी मिल मालिकों का ये तर्क है कि उनको घाटा हो रहा है, लेकिन इस बीच इन दोनों के बीच का रास्ता कुछ भी निकल नहीं पा रहा है और बीएसपी ने इसके लिए समाजवादी पार्टी सरकार, यूपी की समाजवादी पार्टी सरकार को कसूरवार माना है।